मॉनसून में बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरल एक्टिव होते हैं। ऐसे में आई रिलेटेड एलर्जी होना या आई रिलेटेड कोई भी डिजीज होना बहुत कॉमन है। साथ में ही स्प्रिंग एलर्जी बहुत कॉमन है, जो कभी ना कभी हम सभी ने अपनी लाइफ में फेस की होगी। ऐसे में अगर आपको भी आई से रिलेटेड ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं, देन इसका रीजन है ऑकुलर एलर्जी। ऑकुलर एलर्जी क्या है, साथ में ही ऑकुलर एलर्जी के क्या सिम्टम्स हैं, ऑकुलर एलर्जी के क्या कॉज हैं, एंड कैसे हम ऑकुलर एलर्जी की प्रिकॉशंस कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें आई से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम्स फील ना हो, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगी। तो वीडियो लास्ट तक देखें जिससे कि आपको ऑकुलर एलर्जी पूरी तरीके से समझ आए। ओके, तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ऑप्टोमेटिस्ट जानवी रघुवंशी। लेट्स स्टार्टेड द वीडियो। जैसा कि अभी मैंने बताया कि मॉनसून में एलर्जी होना बहुत कॉमन है। मॉनसून में एलर्जी आपको मॉनसून के टाइम पे हो सकती है, साथ में ही कुछ लोगों को आई एलर्जी पूरे ईयर तक रहती है। ओके, बट हम इस वीडियो में बात करने वाली है स्पेशली मॉनसून एलर्जी के बारे में, मॉनसून में आई में जो एलर्जी होती है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉज क्या है मॉनसून में आई एलर्जी के। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि मॉनसून के मौसम में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं और एक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो जिसकी वजह से ये किसी भी पर्सन की आई को बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर सकते हैं और इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। साथ में ही मॉनसून में अगर हम बाहर जाते हैं तो रेनी की वजह से भी हमारी आई में आई एलर्जी हो सकती है। तो ऐसे में सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं ऑक्युलर एलर्जी के, वो हम जान लेते हैं। ऑक्युलर एलर्जी के जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं वो है, आपको आईज में रेडनेस फील हो सकती है, माइल्ड पेन फील हो सकता है, ओके, इचिंग फील हो सकती है आपको, कभी कभी वाटर डिस्चार्ज, म्यूकस, येलो म्यूकस डिस्चार्ज भी होता है, एंड लाइट सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है। ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो ऑकुलर एलर्जी में कॉमनली देखे जा सकते हैं। ओके, अब हम जान लेते हैं कि प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। तो प्रिकॉशंस में सबसे पहले आपको गार्डन एरिया में कम जाना है, बिकॉज गार्डन एरिया में बहुत जल्दी फ्लावर्स की एलर्जी आपको लग सकती है, साथ में ही पॉलन्स वगैरह बहुत रहते हैं, तो ऐसे में आपकी आईज में बहुत जल्दी एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको स्विमिंग पसंद है, आप भी स्विमिंग करते हैं, दैट्स गुड, लेकिन मॉनसून में आप अवॉइड कीजिए स्विमिंग करना, बिकॉज मॉनसून में स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने से बहुत जल्दी ऑकुलर एलर्जी हो सकती है, ऑकुलर एलर्जी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, आपको बाहर नहीं जाना है, डस्टी एरिया में नहीं जाना है, अगर बाहर रेन हो रही है तो भी आप अवॉइड कीजिए बाहर जाना। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो आपको सनग्लासेस पहनने हैं। आई थिंक सनग्लासेस मैं आपको मोस्टली वीडियो में रिकमेंडेड करती हूँ, बिकॉज सनग्लासेस प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट हैं। अगर आपको अपनी आईज को सेफ रखना है तो सनग्लासेस आपको एटलीस्ट वन पेयर तो कैरी करना ही चाहिए, और मॉनसून में तो ज़रूर आप सनग्लासेस वेयर करें, जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी मॉनसून की वजह से होने वाली एलर्जी ना हो। ओके, नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है, बहुत जल्दी अपनी आईज को टच नहीं करना है। एक्चुअल में हमारी हैबिट होती है कि हम बहुत जल्दी अपनी आईज को रब करते हैं, टच करते हैं, बट वो नहीं करना है, बिकॉज जैसे कि मॉनसून में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस होते हैं एक्टिव फॉर्म में, तो अगर आपने किसी ऐसी चीज़ को टच कर लिया है जहाँ पर बैक्टीरिया वायरस हैं और फिर आप वही अपनी आई में टच करोगे तो चांसेस हैं आपको एलर्जी हो सकती है। तो ऐसी में आप बिना हैंड वॉश किए आपको अपनी आईज को टच नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो आपको करना है,
आपको आई मेकअप शेयर नहीं करना है, ये भी मैं आपको काफी वीडियोस में बोलती हूँ। उसका रीजन ये है कि आईज हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट है, तो ऐसे में आईज में बहुत जल्दी इन्फेक्शन एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। तो फिर ऐसे में आप स्पेशली मॉनसून में तो अपना मेकअप शेयर बिल्कुल नहीं कीजिए। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर आपको फील होता है कि आपको आई एलर्जी हो चुकी है, आपको माइल्ड पेन फील हो रहा है या फिर आईज में स्टिक्स जैसा फील हो रहा है, आईज ओपन होने में पेन हो रहा है, देन आपको क्या करना है, आपको तुरंत अपनी आईज को कोल्ड वाटर से वॉश करना है। प्रॉपरली आप अपनी आईज को कोल्ड वाटर से वॉश कर लीजिए, उसके बाद में कोल्ड कंपैशन का यूज करना है। अगर इसके बाद भी आपकी ऑकुलर एलर्जी बढ़ती जा रही है, आपको आई में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, देन आपको तुरंत अपनी आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज आपको नहीं पता कौन सी ड्रॉप का कौन इफेक्ट रहेगा आपकी आईज पर। ओके, और वीडियो में भी मैं इसीलिए कोई भी आई ड्रॉप नहीं बताती हूँ, बिकॉज आपको कौन एलर्जी है या फिर कंजक्टिवाइटिस है या फिर क्या इश्यू है आप में ये नहीं पता है, तो ऐसे में ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए है, राइट? तो आप कोई भी मेडिकेशन ना करें, आप पहले अपनी आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करो, उसके बाद में वो जो प्रिस्क्राइब करते हैं वही आपको मेडिसिन लेनी है, वही आई ड्रॉप लेनी है। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट करें अगर आई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, या फिर आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, या फिर कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकती हैं। एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लो, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल सके। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।